हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जी सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपटेक हिंदी चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो में भाई आप लोग को सिखाने वाला हूँ व्हाट्सअप के डिलीट मैसेज को आप लोग कभी भी कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये ट्रिक को आप लोगों को सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप फॉरवर्ड नहीं करना। और दोस्तों आप लोग आए हैं मेरे चैनल पर नए, चैनल कर लेना भाई सब्सक्राइब, साथ में कर लेना बेल आइकन को प्रेस हो जाना। मैं आपके ऐसे नई वीडियो हेल्पफुल वीडियो यूट्यूब या फिर टेक कैटेगरी के रिलेटेड लाता रहता हूँ। चलिए फिर समाज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं व्हाट्सअप डायरेक्ट मैसेज होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है आप लोग किसी से भी चैटिंग करते हैं या फिर कोई भी आप लोगों से चैटिंग करता है तो उस समय पे आप लोगों को भी बहुत से ऐसे मैसेज देखने को मिलते हैं, दिस मैसेज वाज डिलीटेड ऐसा देखने को आप लोगों को मिलता है। तो वो मैसेज को किस तरीके से पढ़ना है तो ये आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। अब बहुत से बार आप लोग भी किसी से चैटिंग करते हैं उस समय पर आपसे भी कोई गलत वर्ड टाइप हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं वो मैसेज को डिलीट एवरीवन कर देते हैं ताकि आगे वाला जो व्हाट्सअप यूजर है जिसको आपने मैसेज भेजा है वो पढ़ नहीं सके आपके मैसेज को, इस वजह से आप लोग डिलीट एवरीवन कर देते हैं। अब बहुत से बार ये भी होता है कि आपने अपने मोबाइल का नेट ऑन कराया है और घर पे रख दिया है और बहुत से ऐसे आपके फ्रेंड हैं जो आप लोगों को मैसेज करते हैं और वो मैसेज को डिलीट कर देते हैं। तो आपके आप जब व्हाट्सएप ओपन करते हैं, अब ओपन करने के बाद आप देखते हैं कि दिस मैसेज वॉज डिलीटेड तो आप कन्फ्यूज में हो जाते हैं, आप सोच में पड़ जाते हैं कि इसने मैसेज मुझे क्या करा था। तो यहाँ पे आज के स्टूडियो में आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक जिससे कि वो आपका आपको मैसेज करेगा और वो आपके इसमें लिख के भी आएगा दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, फिर भी आप उस मैसेज को पढ़ लेंगे कि इसने मैसेज मुझे क्या करा था। तो ये ट्रिक पूरा आप लोगों को सिखाऊंगा। दोस्तों मैं जो कुछ भी वर्क करूंगा इस मोबाइल में आप लोग साइड में स्क्रीन में देख लेना और उस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेना है तो आप क्या करेंगे दिस मैसेज वॉज डिलीटेड मैसेज को पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा उसके लिए दोस्तों। और आप लोग को भी बताया ऐसा कोई फीचर्स नहीं है व्हाट्सअप के अंदर तो आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है नोटिस सेव करके। तो ये आप लोगों को लोगो देख लेना है और नोटिस सेव आप लोगों को प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जैसे आप लोग का इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको करना क्या है तो यहाँ पे इस ऐप को मैं ओपन करता हूँ। अब दोस्तों ओपन करने के बाद आपको सेटिंग क्या करना है तो देख लीजिए नोटिस सेव का जो ऐप है ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको नीचे साइड में एक बाण दिख रहा है एरो, उसको क्लिक करना है, फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है कि नोटिफिकेशन के लिए आपको एक्सेस के लिए अलाउ करना है तो यहाँ पे मैं अलाउ यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब अलाउ करने के बाद ये क्या बोल रहा है देख लीजिए, आपको नोटिस सेव को ऑन करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे नीचे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नोटिस सेव का देख लेना है आपका ऐप का है। तो ये देख लीजिए मेरा ऐप यहाँ पे आ गया है नोटिस सेव, अब इसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ परमिशन बोल रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आपको अलाउ यहाँ पे कर लेना है। अलाउ करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद देख लीजिए ये आपका फोटो मीडिया फाइल को एक्सेस करने के लिए परमिशन मांग रहा है। अब ये यहाँ पे आप लोगों को इसको भी दे देना है परमिशन तो यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ये अलाउ पे मैंने क्लिक करा यहाँ पे तो शायद ये अलाउ पे क्लिक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डीनी पे मुझे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने डीनी पे क्लिक करा तो ये जो ऐप का जो लिस्ट है वो यहाँ पे स्कैन कर रहा है। स्कैन करने का जैसे स्कैन होता है फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको करना क्या है। तो दोस्तों देख लीजिए नोटिफिकेशन फॉर्म सिलेक्टेड ऐप, अब आपको यहाँ पे व्हाट्सअप का ही जो एक नोटिफिकेशन सेव करके रखेगा ऐसा नहीं है, आपके सारे ऐप का जो नोटिफिकेशन है ये ऐप सेव करके रखेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको नीचे क्लिक करना है। अब आप लोग को यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ऑल ऐप्स, इसको आपको इस तरीके से ऑल ऐप सिलेक्ट करके ऑफ कर लेना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आपका जो है एक भी ऐप अभी सिलेक्ट नहीं है और वैसा आपने नहीं करा तो पूरे ऐप आपके जो है सिलेक्ट वहाँ पे थे। अब यहाँ पे आपको जो जो ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए इस ऐप के अंदर उसको आपको ऑन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना जो व्हाट्सअप बिजनेस है इसको ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद देख लीजिए ये यहाँ पे आपको कुछ बोल रहा है तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटो स्टार्ट जो ऑप्शन है इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कुछ बैटरी का बोल रहा है तो यहाँ पे आपको ओके कर लेना है, ठीक है। ओके करने के बाद ये आपका जो परमिशन है यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, ये भी परमिशन ऑन हो गया है, सारा परमिशन ऑन हो गया है, यहाँ से आपको बैक कर लेना है। अब बैक करने के बाद देख लीजिए प्लीज इनेबल ऑटो स्टार्ट, तो ये तो हमने ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे हम देख लीजिए व्हाट्सअप बिजनेस को ऑन कर लेते हैं तो ये इसको भी आपको अपने व्हाट्सअप को यहाँ से इनेबल कर लेना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ से अलाउ होता है तो ठीक है और नहीं होता है तो आपको डोंट आस्क अगेन पे क्लिक करके डीनी को क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा करने के बाद आपका जो ऑप्शन है अब कायम आएगा वो डिलीट हुआ मैसेज। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऊपर ऑप्शन दिख रहा है चैट का, इसके अंदर आप लोगों को वो जो है देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अब यहाँ पे मेरे पास दो व्हाट्सअप बिजनेस का ऐप है, एक यूट्यूबर के लिए है और एक मेरा पर्सनल है। और यहाँ पे मैं अपना यूट्यूबर वाला एक व्हाट्सअप ओपन करता हूँ, ठीक है। व्हाट्सअप बिजनेस आप लोग देख सकते हो, ये यूट्यूबर वाला है और एक व्हाट्सअप ये है, जो कि आप लोग को बता दूँ कि ये व्हाट्सअप मेरा लॉक हो गया है, इस वजह से मैं अपना व्हाट्सअप बिजनेस यूज कर रहा हूँ। तो व्हाट्सअप बिजनेस को यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ, यूट्यूबर वाला ग्रुप। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ऊपर राहुल जायसवाल, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप है, उस पर मैं मैसेज करके आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, ये मैंने हाई टाइप करा और यहाँ पे सेंड करा। तो दोस्तों देख लीजिए, ये व्हाट्सअप को मैंने ओपन करा, यहाँ पे मेरा जो व्हाट्सअप है ये आ गया है हाई। तो ये आप लोग हाई देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ गया है। तो ये मैसेज को अब मैं डिलीट करूँगा इसके अंदर से। ये व्हाट्सअप ओपन करा, यहाँ से ये मैंने डिलीट करा और एवरीवन करा, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद देख लीजिए, ये व्हाट्सअप को ओपन करा, अब आप लोग ये नंबर के अंदर देख सकते हैं वो हाई वाला मैसेज जो है डिलीट हो गया। अब इस समय पे आपको ये ध्यान में रखना है, आपका कहीं मोबाइल रखा है कोई जगह पे और आपका कोई फ्रेंड ने मैसेज करा और उसने इस तरीके से आपका मैसेज को डिलीट कर दिया, आपको जो मैसेज किया था। अब आप लोग कन्फ्यूज में रहेंगे कि वो मैसेज क्या था। तो देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर से आपको स्लाइड करना है, देख लीजिए 6 नोटिफिकेशन सेव, तो आपको सीधा ऊपर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसको आपको टैप कर लेना है इस तरीके से। जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो देख लीजिए दोस्तों, ये हाँ ये आप लोगों को ऑल में दिखाएगा, सॉरी चैट में आप लोगों को नहीं दिखाएगा, ऑल में दिखाएगा। तो ऑल में देख लीजिए हाई, अब क्या क्या हुआ था। तो ये देख लीजिए, ये हाई वाला मैसेज है, ये दिख रहा है। अब आपको फिर से एक बार क्लिक करके बहुत सारे मैसेज जो है दिखा देता हूँ यहाँ से। हाई यूट्यूबर, हाई यूट्यूबर, गुड मॉर्निंग, देख लीजिए इतने सारे मैसेज मैंने यहाँ पे करा। तो ये इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक ये लास्ट वाला डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब डिलीट करने का देख लीजिए, मेरे मेन व्हाट्सअप में ये एक यूट्यूबर है, बाकी सब डिलीट हो गया है। अब यहाँ से उस ऐप को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, मेरा जो ऐप मैंने इंस्टॉल करा हूँ नोटिस सेव वाला, इसको ओपन करा, ठीक है। ओपन करने के बाद देख लीजिए, इसने और मेरा वो है सेव कर लिया। तो देख लीजिए 77 ये मेरा नंबर है यूट्यूबर ग्रुप के लिए, इसको क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए पहला कौन सा मैसेज था, गुड मॉर्निंग वाला, ठीक है। अब उसके बाद ये एक मैसेज और आया मुझे यूट्यूबर वाला, देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद ये हाई वाला मैसेज भी यहाँ पे पूरा शो हो रहा है और वहाँ से मेरा पूरा जो डिलीट हो गया था। तो डिलीट होने के बाद देख लीजिए पूरा शो हो रहा है, गुड मॉर्निंग वाला मैसेज भी है, यूट्यूबर वाला भी है। तो ऐसे जो है आप लोग जो है दिस मैसेज वाट डिलीटेड वाला मैसेज को पढ़ सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो और ये ट्रिक समझ में आ गई हो तो वीडियो करना भाई लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं राहुल जैसा आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।